आप लोग को मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग को मैं आज छोटी सी मतलब जो होती है घर की काम वगैरह वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये रहा मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं और हम नहा के मतलब नहा लिया और पूजा पाठ वगैरह हर चीज़ हमने कर लिया। फाइनली हम किचन में आ गए। तो किचन में आने के बाद हम थोड़ी सी रैक वगैरह साफ कर लेंगे क्योंकि वो रात को भी साफ कितनी भी साफ कर लो फिर भी एक बार साफ करनी चाहिए क्योंकि रात में कॉकरोच या कुछ भी हो मतलब कीटाणु वगैरह वो तो होता ही है। तो हमें रात में जो साफ करना चाहिए करना चाहिए, फिर सुबह में भी एक बार साफ कर ही लेना चाहिए। तो मैं फाइनली मतलब रात में साफ की थी, फिर एक बार मतलब थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से एक बार पोंछ दी मैंने। तो ये हमारी रात की दूध बची थी और सुबह की भी दूध आ चुकी थी। तो हमने दोनों दूध को गैस पर चढ़ा दिया है और जब तक ये उबलेगी जब तक ये दूध उबलेगी तब तक मेरी थोड़ी सी छाली रखी हुई थी तो मैं उसको मेल्ट अच्छे से मतलब अच्छे से मिला लूँगी ताकि वो मतलब पानी नीचे अब्जॉर्ब कर ले और मक्खन ऊपर आ जाए। तो मैं इसको थोड़ी देर मतलब मिक्स करती रहूँगी, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करती रहूँगी मतलब छाली को अच्छे से मिक्स करते रहो तो वो मतलब मक्खन ऊपर छोड़ देता है। मतलब थोड़ी सी छाली थी तो हमने सोचा क्या मतलब वो राई वगैरह होता है मतलब उसको क्या यूज करना है, तो हमने चम्मच से अच्छे से मेल्ट कर दिया ताकि उसमें से डाढ़ी भी निकल जाए। तो हम इसको फाइनली अच्छे से मेल्ट कर लिए हैं और इसको मैं तब तक थोड़ी देर के लिए पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि वो मक्खन ऊपर आ जाए और ये मतलब पानी इसका जो नीचे छाछ वाला जो होता है नीचे चल जाए। तो मेरा दूध ये उबल रहा था तब तक, दूध हमने उबलने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ रखा था तो हमने फिर गैस को फुल कर दिया। जो लो फ्लेम पर थोड़े से दूध को भी अच्छे से पकाना चाहिए तो वो गर्मी का टाइम है वो फट जाता। तो मैं दूध को अच्छे से उबाल ली हूँ तो ये बॉयला हो गया है। तो मैंने मक्खन को अच्छे से मेल्ट किया है, फिर उसके बाद मैं इधर बनाऊँगी तड़का। तड़का में मैं थोड़ी सी सब्ज़ी भी डालती हूँ, वो आलू नहीं डालती, वो सोयाबीन परवल ये सब मैं डालती हूँ। तो मैंने फाइनली मक्खन में पानी डाल दिया, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो इसका मक्खन जो है ऊपर आ जाए और छाछ जो होता है वो नीचे चला जाए। तो मैं थोड़ी सी कद्दू की भी सब्ज़ी बनाऊँगी जो मैं इसको वो त्रिकोण शेप में मैं काटूँगी, इसको इसका तरुआ वगैरह बनाना तो उसी टाइप में मतलब मैं सब्ज़ी थोड़ी सी बनाऊँगी नमक हल्दी डाल के। तो मैं इसको अच्छे से छील लूँगी और फिर इसको कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद अच्छे से इसको मैं काट लूँगी। इसको काटने के बाद फिर इसको तो मैं इसको त्रिकोण शेप में बारीक बारीक करके सबको मैं अच्छे से मतलब कट कर लूँगी। कट करने के बाद उसको मैं साफ कर लूँगी, सबको छोटी छोटी पीस में कट करना है। इसको मैं मतलब सब्जी बनाऊँगी, तरुआ वगैरह नहीं बनाऊँगी। इसमें नमक थोड़ी सी नमक डाल ली और हल्दी डाल ली है। तो इसको काट करके हमने पानी में डाल दिया है, फिर इसको मैं धो करके बनाऊँ। तो बताओ कि मैं इधर मतलब तड़का का तैयारी करूँगी और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है। तब तक मैंने परवल छील रखा था, काट भी लिया था, तो मैं इधर परवल को दे दूँगी उस कढ़ाई में। तब तक वो परवल इधर फड़ा हो जाए और इधर मैं मसाला का तैयारी करूँगी। तो मसाला का तैयारी करेंगे, हमने गैस को फुल गैस पर छोड़ दिया था कुकर को और फिर इसको अच्छे से गर्म होने दिए थे और उसमें हमने ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैं डालूँगी जीरा, इसको थोड़ी सी चटकने दूँगी, फिर मैं डालूँगी प्याज और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है, तड़का वगैरह में थोड़ा सा हल्का ये रहता है तो हल्का सा कच्चापन रहता तो अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है पर पता नहीं किसी और को क्या पता। तो मैं फाइनली इधर मसाला का तैयार कर रही थी। मसाला में हमने डाला था लहसुन मिर्च, ये जो भी जब भी मैं खाना मतलब कुछ भी बनाती हूँ तो ये लहसुन मिर्च ही यूज करती हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला मैं नहीं यूज करती। बाहर का बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहती, कभी कतल हो जाता वरना मैं नहीं यूज करती। तो हमने लहसुन मिर्ची दे दिया और उसमें हमने हल्दी भी डाल दिया और क्वांटिटी अनुसार हल्दी स्वाद अनुसार नमक। तो हमने परवल को निकाल लिया था, सोयाबीन को फ्राई होने दिया था, सोयाबीन को अच्छे से मतलब ब्राउन होने तक क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना, अच्छे से वो फ्राई हो जाए तो फिर उसको मैं निकालूँ। इधर मेरी मसाला हो गई थी अच्छे से फ्राई, उसमें हमने थोड़ी सी टमाटर भी डाल दी थी ताकि टमाटर डाल थोड़ा सा खट्टा बना दो तो अच्छा लगता है। तो हमने इधर
सोयाबीन भी डाल दिया था, परवल भी डाल दिया था, अब मैं इधर दाल भी डाल दी। तो मैं इसको अच्छे से मतलब थोड़ी देर चलाऊंगी, चलाने के बाद मतलब अच्छे से थोड़ी मिक्स कर दूंगी ताकि इसके अंदर चना को भी थोड़ी अंदर मसाला डल जाए। मैं चना को दाल को पहले मैं इसलिए नहीं देती ताकि वो मतलब अजीब तरह से हो जाता, जल्दी मतलब सीझता ही नहीं है, ज़्यादा भुन जाता तो सीझता ही नहीं। तो मैं इधर अब कद्दू का सब्जी का तैयारी करूँ। तो हमने कढ़ाई में तेल दे दिया था और तेल हो चुकी है गरम, तो मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू। कद्दू को डालने के बाद थोड़ी देर मतलब बहुत ज़्यादा थी कढ़ाई, ओवर हो चुकी थी, फुल हो चुकी थी मतलब मैं तो इससे। फिर मैं सारे कद्दू को इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी नमक हल्दी डालूँगी और इसको छोड़ दूँगी। इधर हमने पानी डाल दिया, चना दाल को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था और इसमें पानी डाल दिया। मैं उसका ढक्कन लगा दूँगी। तो इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक, क्वांटिटी अनुसार हल्दी डाल दिया। फिर इसको थोड़ी देर चलाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर ताकि ये अपने आप गल ये पानी छोड़ दिया, इतना ज़्यादा पानी पता नहीं तो कि हमारा फाइनली हो गया था, खाना वगैरह हमने खा लिया था। अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, मतलब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर वो उसका सुबह जाते हैं तो छिटना, फिर आते हैं तो छिटना, भर दिन मतलब उस बच्चा का यही काम रहता है, इधर उधर का इधर का सामान उधर फैलाना, उधर का सामान इधर फैलाना। तो फाइनली हमने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, वो स्कूल से आ चुकी है। तो बेड क्लीन करने के बाद मैं इसको अच्छे से सारे कपड़े को हमने तय लगा लिया था और ये बेड शीट को भी मैं अच्छे से फैला दी थी। इसको अच्छे से झाड़ दूँगी, ये थोड़ी बहुत गंदी वैसे तो नहीं रहती लेकिन बच्चे रहते हैं घर, जिस घर में बच्चे हैं उसको तो पता ही होगा बच्चा क्या करते हैं। तो फाइनली हमने ये सब कर लिया, सब करने के बाद अब मैं चलूँगी, मतलब सारे कपड़े भी फैले हुए थे, सारे कपड़ों को मैं तय लगाऊंगी। दोपहर का टाइम हो रखा था तो हमने कपड़ा को तय लगा लिया था। मैं किचन में आ गई, थोड़ी बहुत जो बर्तन वगैरह थी मैं उसको अच्छे से साफ कर लूँ। तो ये दूध रखी थी, इसका मैंने छाले निकाल लिया था, दूध को मैंने छान लिया। बच्चे तो दूध पीते हैं तो कोई मतलब कोई कोई ऐसा बच्चा हो तो वो छाले के साथ ही खाते हैं, लेकिन कोई कोई से जो छाले हटा के मक्खन मतलब हटा के खाते दूध पीते हैं। तो फाइनली हमने किचन का सफाई कर लिया और ये जूठा वगैरह मतलब खाना वगैरह तो जो रात का था वो हमने नहीं बाहर फेंका था, कौवा वगैरह को देना भूल गई थी। तो हमने ये खाना वगैरह भी अच्छे से निकाल करके, ये हो रहा रात का टाइम, हमने शाम के टाइम कुछ वो मैं आप लोगों के साथ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। और ये मेरी बेटी रात के टाइम क्लास होमवर्क कर रही है।